दोस्तों नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट तापस स्वागत करता हूँ मेरा तापस फार्मासिस्ट चैनल में। दोस्तों आज मैं एक ऐसा क्रीम आप लोगों के सामने लाया हूँ जो स्किन को ब्राइटनिंग और लाइटनिंग प्रदान करता है, जिसमें स्टेरॉयड मिला हुआ नहीं है, जिसका नाम है मेला ग्लो क्रीम। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, जिस क्रीम का रिव्यू के लिए बहुत ही दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए आज मैं इस क्रीम को आप लोगों के सामने लाया हूँ। इस क्रीम का रिव्यू से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लिए तो आप लोगों को ही फ्री में दवा और कॉस्मेटिक के बारे में जानकारी मिलेगा। और हाँ, सब्सक्राइब का बाद जो बेल आएगा वो बेल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों शुरू करते हैं मेला ग्लो क्रीम का रिव्यू। दोस्तों देखिए, मेरा पास एक मेला ग्लो क्रीम है जिसका एबोट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने मार्केट करता है। दोस्तों ये मेला ग्लो क्रीम 15 ग्राम का ट्यूब फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, जिसका कीमत है 275 रुपीज, मतलब 275 रुपया। दोस्तों इस क्रीम को स्किन ब्राइटनिंग और लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन सवाल है कि क्या ये स्किन को ब्राइटनिंग और लाइटनिंग प्रदान करता है, क्या ये लगाना सेफ है? तो दोस्तों इसके लिए देखते हैं इनका इंग्रेडिएंट्स को। तो चलिए इसका इंग्रेडिएंट्स के पास देखिए दोस्तों, इस क्रीम का इंग्रेडिएंट्स है ल्यूकोराइज एक्सट्रैक्ट्स। दोस्तों ये ल्यूकोराइज एक प्रकार का पौधा है, जिस पौधा का केमिकल को इसे इस क्रीम में यूज़ किया गया है। दोस्तों ये ल्यूकोराइज स्किन का इचिंग और इन्फ्लामेशन को दूर कर सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस क्रीम में नियासिनामाइड है। दोस्तों ये नियासिनामाइड को हम लोग विटामिन B3 का नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये नियासिनामाइड स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये एज होने का बाद जो स्किन में रिंकल हो जाती है उसको हटाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों जब एनवायरमेंटल अटैक से स्किन को नुकसान पहुंच जाता है, जब स्किन में बहुत ही हानिकारक हो जाता है, उनको रिपेयर करता है ये नियासिनामाइड। इसके अलावा ये नियासिनामाइड स्किन टोन, फाइन लाइन, स्किन का डलनेस और रिंकल के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, और साथ साथ स्किन को फट जाने से भी रोकता है नियासिनामाइड, और स्किन को ग्लोइंग प्रदान करता है। दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, इस मेला ग्लो क्रीम में और भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, जैसे कि सोय आइसोफ्लेवोनेस। दोस्तों ये भी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों ये सोय आइसोफ्लेवोनेस स्किन का रिंकल को दूर करता है। जब हमारा स्किन सन का हीट से डैमेज हो जाती है, तब ये इंग्रेडिएंट्स स्किन को पहले जैसा बनाने में मदद करते हैं। इस क्रीम में और भी एक इंग्रेडिएंट्स को देखिए, टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन। दोस्तों ये टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन स्किन का स्पॉट को दूर कर सकता है और स्किन को ब्राइटनिंग और लाइटनिंग प्रदान करता है। उसके बाद कोजिक एसिड भी इस क्रीम में मौजूद है। दोस्तों ये कोजिक एसिड भी स्किन को लाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों ये सब इंग्रेडिएंट्स का दम पे ही ये मेला ग्लो क्रीम स्किन का हाइपर पिगमेंटेशन को दूर कर सकता है, स्किन का ब्राउन स्पॉट को हटा सकता है, स्किन का ब्राइटनिंग और लाइटनिंग प्रदान कर सकता है। ये क्रीम को दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने से पहले चेहरा को अच्छा से वॉश करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इस क्रीम को चेहरा में मसाज करने से इसका रिजल्ट अच्छा होती है। दोस्तों ये क्रीम बहुत ही जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और ये ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं है। दोस्तों इस क्रीम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस क्रीम को लगाने से पहले कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट का सलाह लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसका भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे एलर्जिक कंडीशन, इचिंग, माइल्ड स्किन इरिटेशन, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको ही ये साइड इफेक्ट होगा। दोस्तों
ये रहा मेरा मेला गोलो का रिव्यू। अगर मेरा ये वीडियो को पसंद आया तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग जान सके ये मेला गोलो क्रीम के बारे में। दोस्तों मैं तापस ये वीडियो को आज यहाँ ही ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे कोई खास वीडियो के साथ। आज चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।